এখানে শীত নেই, প্রচন্ড গরম, তবু আমি জিপার এই জন্য পরে রেখেছি, তার কারণ হচ্ছে এসি চলছে উপরে, সমস্ত হাই কনফিগারেশনের মেশিন। তো ভেতরে আছে ডাবিং রুম, ভুক্কার এখন ডাবিং করছে ভেতরে। আচ্ছা বিজি দে, সুবহ সে কাম কর রহা হুঁ, ইতনা কাম কর রহা হুঁ, ক্যা বলু। আর দেখো সব কুছ পুরা ব্যাগ বগেরা সব মেরে হাত মে দে দিয়া, হ্যাঁ না, মতলব মে ওজন উঠা নেই পা রহা হুঁ। মেরে হাত মে আবি আপ লোগ দেখ সকতে হো, কম সে কম 25 কিলো হে এক হাত মে। লাস্ট 10 মিনিট সে মে এসে ওয়াকিং কর রহা হুঁ, আর ও ইনস্টাগ্রাম মে বিজি হে, আর ক্যা বল সকতা হুঁ মে। মে তো এসাই হুঁ ভাই, আচ্ছা হুঁ। गाइस आज ब्लॉग शूट करने वाले थे हम, लेकिन हम जब ही यहाँ पे आए हैं, मैं देखा था इस लोकेशन में जब भी आए हैं इधर, तो इधर उधर कार खड़ी थी, लेकिन अभी देख रहा हूँ उधर उधर नहीं है कार। पता नहीं वो भूखकर भी दौड़ दौड़ के कहाँ चली गई और बहुत रो रही थी। अभी पता नहीं किधर क्या होगा, अभी कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है कहाँ पर कार लेके जाते हैं लोग उठ के। एक्चुअली आज दिन ही बहुत ख़राब है, किसका मतलब शक्ल देख के मैंने मॉर्निंग में उठा था पता नहीं। अभी देखो ना कितना एक्साइटमेंट थे, ब्लॉग शूट करने वाले थे, लेकिन पता नहीं अभी मुझे ऑटो करना पड़ेगा, तो ऑटो के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, फिर ऑटो पकड़ के फिर हम जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ से कैसे कार मिलेगी। ये बहुत टेंशन हो रहा है, वो कैसे रो रही है वो। अभी देखो ना जल्दबाजी का टाइम कुछ मिलता भी नहीं है, अभी ऑटो भी नहीं आ रही है। ऑटो ऑटो, अरे देखो वे भी चले गए। चलो 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 काम कीजिए ना, पहले आरटीओ में चलिए ना। ये टो मार दिया, मेरी गाड़ी टो हो गई यार अभी। अरे तू बता ना पहले कहाँ लेके जाते हैं यार। अजंता की गाड़ी उड़ा के लेके गए, तो आप थोड़ा मराठी में बात कर सकते हो क्या? दिमाग का दही हो गया फालतू में। साइड में रुकिए ना, 2 मिनट। क्योंकि वो इस एरिया में जहाँ का जितनी गाड़ी उठती है ना वही। तो अंदर चली गई, मैं अभी जाके अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे वो बहुत स्मार्ट है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो। गाड़ी इधर ही है क्या? अंदर ही गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो तूने बात किया? बात किया बात किया वो मुझसे पूछो। अच्छा, स्पीडिंग का पावती कटा है और नो पार्किंग का। अच्छा चल दो बजे हम लोग खाना खाने वाले थे, फिर मैं खाना लेकर आया घर से बना के, फिर हम पार्किंग में गए तो गाड़ी नहीं थी वहाँ पर, टो हो चुकी थी। लाइक सर्चिंग फॉर कार, मैंने कहीं और तो नहीं पार्क कर दिया, नहीं था। आरटीओ के चक्कर काट काट के तीसरा या चौथा आरटीओ मिला जहाँ पर गाड़ी पार्क। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था, बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, लेकिन अंदर से टेंशन हो रहा था, लेकिन अंदर से भी, अरे चुप सुन ना, अंदर से भी बहुत टेंशन हो रहा था। मैं अंदर से कूल था बहुत, इसलिए कूल था कि कहीं तू फिर वो ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए मैं हमेशा मतलब काम रखा खुद को, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। अंदर से कूल था, मुझे पता था कि ऐसे बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं लाइफ में, तो बेसिकली आई डोंट लाइक चिकन सो मच, बट अकेला खाने का मन नहीं करता इसलिए मैं बनाता नहीं। तो उसने बोली कि चिकन बनाएगा तू, तो मैंने बोला हाँ, लेकिन दिस इज़ वेरी टफ जॉब यू नो, आई वेक अप इन द मॉर्निंग 6 AM, सो मच इंग्लिश, या सो देन आई बाय चिकन एंड देन आई कुक ओके फॉर हर। बट उसको क्या है, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है ना, कभी थैंक्स नहीं बोलती, कभी थैंक्स नहीं बोलती है ना। नहीं जो भी है, रोड के किनारे पे गाड़ी पार्किंग मत करियो, अगर करियो तो सोच समझ कर ओके। और जहाँ पे नो पार्किंग लिखा नहीं है खासकर उधर थोड़ा संभल के, क्योंकि हम
और सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब जेंटल नागरिक होकर समाज का जो नियम कानून है हमें मानना चाहिए। हमसे थोड़ा बहुत गलती हुई है लेकिन जानूंगा आइंदा ऐसे गलती नहीं करूंगा, है ना। तो ठीक है, अभी बोलता है ना रात के बाद दिन दिन आता है, तो अच्छा लगा। अभी भूख लग रही थी, मैं खा रहा हूँ और भूखर भी मेरे साथ खा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और हमारा ब्लॉग कैसे लग रहा है वो तो बताना हमें कमेंट में। और बहुत जल्द और ढेर सारे मज़ेदार ब्लॉग लेके हम आएंगे, और हम तो कहीं जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन कहाँ जाएंगे ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, खाना खा लो जमा। बाय बाय।